पीयूसी ग्लास तो ले आ नीचे से। हाँ जल्दी जा ले गया। मम्मी जी के हेयर कलर हो रहे हैं। लो ऐसे कर दो, मैं हाथ में पकड़ रखा है। मम्मी जी आप करो, लो मेरे को वो नहीं आता ना। थोड़ा कर दो। अच्छा पीयूष करेगा। पीयूष क्या करेगा? व्लॉग स्टार्ट। उसको अभी मेरे लिए बोलने के लिए कुछ लव्ज नहीं है। अजीब इंसान है यार, तीनों के तीनों कुछ बोल ही नहीं। पकड़ रहे इसको, मैं डालूंगा। काली चाय इसमें दूध डालेंगे ना। पागल बना रहे हैं। कितनी होगी देख, देख कितनी होगी चाय। डाल 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 इसमें डालो और इसमें और डाल दे। फारिक कर इसको। देखो यार उसमें खाली हो गया देखना। क्या चाय है यार? चाय पी के देख। ठंडा डालो देखो देखो। अरे पी के देखो ना, आज नया आइडिया लगाया है। एनीवेज गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हमने चाय बनाई है। मैंने ना रात को बनाई थी तो मेरे साथ पोपट हो गया था। मैंने इसी में ही दूध डाल दिया, सब कुछ डाल दिया और पता है डालते ही ऑन करते ही सारा उबाल आ गया, ऊपर से सारा निकल गई चाय। मैंने कहा ये कैसे हुआ, क्योंकि तो इसमें एकदम से हो जाता है ना, तो इसमें दूध नहीं डाल सकते हम। तो हमारी चाय पास हो चुकी है, अब से इसी तरह से बनाएंगे। दूध पहले नहीं डालेंगे, दूध बाद में डालेंगे। कल रात को सही पोपट हो गया था, मैंने वीडियो नहीं बनाया। सारा टेबल गंदा हो गया था मेरा, वायर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, दीवार पे भी छींटे हैं। छोड़ दिया होगा तूने रखने, ऊपर गया हो। नहीं इसमें अगर दूध डालोगे ना तो ऊपर आ जाएगा वो। इसमें दूध वाली चीज हम कर ही नहीं सकते कुछ भी। तो गाइस अभी का सीन ये है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चल रहा है। बाहर तगड़ी वाली धूप आ रही है, अंदर जाना तो तगड़ी वाली ठंड लग रही है, और बीच में फंस चुके हैं यहाँ कपड़ों के बीच में। यहाँ ना धूप है ना ज़्यादा ठंड है। थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी तो उसमें भी कन्फ्यूज़न है कि क्या शॉपिंग करें क्या ना करें। तो अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचने के बाद मम्मी जी मैंने डिसाइड किया है कि मैं लूँगा अपने लिए जैकेट वगैरह, ठीक है, शूज़ वगैरह मेरे पास सब कुछ हैं। पीछे अगर तेरे को भी कोई लेना है तो तू भी ले सकता है। सो अभी हम निकलने वाले हैं मार्केट के लिए। पता नहीं शॉपिंग के लिए इतना एक्साइटमेंट क्यों होता है हमेशा। तो मम्मी सारे कपड़े वगैरह नीचे ले आ रही है, और एक को नीचे रखना पड़ेगा। आपके लिए भी लेके आऊँगा मैं, आपके यहाँ से नहीं मिलते, आपके हिसार से लेके आने पड़ते हैं। ओके चलो अरे चलो नीचे चलो 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 और ये अंदर आओ, अंदर बाहर नहीं, बाहर नहीं। हाँ गुड बॉय, चलो अंदर अंदर चलो, गुड बॉय गुड बॉय, चलो लड़की अंदर चलो। तो अभी का हमारा प्लान ये है कि हम मम्मी को साथ में लेके जा रहे हैं, बिकॉज मम्मी थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर लेती है, हमसे हो नहीं पाती है, जितने वो मांगते उतने हम दे के आते हैं। फिर मम्मी ने कहा कि मेरे को ले चल तू, फिर कोई टेंशन नहीं है, थोड़े तेरे पैसे बचा के आऊँगी मैं। तो चलो बच्चों को लोग ठग देते हैं ना, तो मम्मी को लेके जा रहा हूँ मैं आज इस वाली बाइक में। इसमें तो मम्मी जाती नहीं है कब, आज तक मम्मी एक बार भी इस बाइक में कभी बैठी नहीं है। मेरे कपड़े ठीक हो रहे हैं क्या? कपड़े तो ठीक हैं, कपड़े टेंशन ना लो। अरे एक एक ही दुकान में जाना, वहीं से वापस आना है। और ये समझ जाता है कि हम कहीं ना कहीं तो जाने वाले हैं। ऊपर अंदर जाओ, अंदर जाओ, अभी आ रहे हैं। चल। चलो अभी आ रहे हैं पक्का। और ही को अंदर कर यार। बाइक का पिछवाड़ा ठुकता उसकी साइकिल में। ओलू यार हमेशा बहुत बुरा लगता है जाते। ओए लड़की क्या देख रही, जाओ अंदर बेड पे सो जाओ। अंदर कैसे देख रहे यार, कितनी प्यारी आंखों से। बाय ओरी, कैमरे में दिख नहीं रहा होगा। बैठूं चलूं भाई, ये चलानी में भूल गया भाई। इसका हैंडल मुझे टेढ़ा लग रहा है, हैंडल टेढ़ा है इसका, सीधा नहीं है, ब्रेक ही नहीं है इसमें, तो ब्रेक नहीं है इसमें। अरे ड्यूक की आदत होगी ना इसीलिए लग रहा है। अब तो मेरे को ड्यूक में ही कम्फर्टेबल लगता है, इसमें कम्फर्टेबल लग ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है इस साइड जा रही है बाइक, इसका हैंडल इस साइड मुड़ा हुआ है ना। पोपट हो गया यहाँ पे, मैंने इतनी देर तक लगा रहा, इसमें पैसे ही नहीं है, पता नहीं क्या सीन है, निकल ही नहीं रहे पैसे। अब किसी और में जाना पड़ेगा, मम्मी जी को दिक्कत आ रही है। क्या कहाँ फ़ोन कर रहे हो, क्या बात है, चाबी भी नहीं घुस रही। अबे ये ड्यूक की चाबी है क्या यार तू भी। अरे आप कुछ नहीं, पैसे मैं निकाल रहा हूँ, पैसे की टेंशन ना लो। आप बैठ गए सही से? अबे ये रहा, इसमें पक्का होंगे मम्मी, ये लास्ट है, अगर इसमें नहीं हो तो फिर वापस चलेंगे हम। फाइनली यहाँ पे थे पैसे, तो चलो अब निकलते हैं मार्केट के लिए।
टेंशन ना लो यार मम्मी आप, मैं आराम से चला रहा हूँ। तो अभी हमने मार्केट में एंटर कर लिया है। अब मम्मी को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा होगा कि मैं तेज चलाऊंगा, तेज ताज नहीं चलाता यार। जब भी मैं बाइक चलाता हूँ ना मम्मी को बहुत डर लगता है। हमने बड़े पापा को कॉल करके बुला लिया था कि आप भी वहीं आ जाओ, आपके लिए भी ले लेंगे। अगर साथ में लेंगे ना तीन चार हम, तो सस्ते पड़ जाएंगे ना, इसीलिए मौका नहीं गंवाना चाहिए। वो अरे बड़े पापा खड़े हैं, बड़े पापा को ऑलरेडी पता ही है कौन सी दुकान है। घुसा दो। यही दुकान है क्या? चलो फिर। अरे साहिल को तो मेरे साइज के आएंगे। वैसे भी हम बदल के डालते रहते हैं, कभी मैं डाल देता हूँ कभी साहिल। सही है, बड़ी भी सही है। इसको फाइनल करो। और ये घर वेट कर रहा है। और हमने यहाँ पे चार जैकेट पसंद किए। कौन सी है चार? ये रही, एक दो तीन, एक से नीचे एक और है, चार, एक दो तीन चार पाँच। मम्मी जी को फाइनली एक मिली है इतनी मुश्किल से। हाँ ये सही फिटिंग आ रही है। सो हेयर वी हैव अवर थ्री बैग्स। ये भी अपना ही है क्या? जब देख लो और क्या देख रहे हो। हाँ मस्त लग रहा है, कलर भी सही है। तुम भी डाल लोगे इनको तो कोई भी डाल लेगा। हाँ वो तो कोई भी डाल लेगा यार। और ये अकेला है घर पे, पाँच बज गए। अच्छा हाँ साहिल आ गया। ये रहा देख, और ये रहा। अरे और ये क्या कर रहा है? बस ले रहा है, पंगड़ा ही ले रहा है। ये रे साहिल दा, ये रहा। और यो साहिल दा कहाँ? ये रहा। और यो हाँ साडा आगे है ओली, साडा आगे। मेरे पास आ जाओ मम्मी, आजकल मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रहा ये। शारदा मेरे पास आ जाओ, गंदी बच्ची। मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि मेरे पास आया है, मेरे से मिलने आया है। मेरी बेइज्जती मत कर रोज रोज की तरह तू। कैसे लग रहा है भाई? फोटो करवा के अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तीन भाई मिलने आए थे आज। आजा तू भी आजा। मुझे तू बहुत बड़ा लगता है, वीडियो में बड़ा लगता है ना। हां हां मिला था ना। हां मैंने पहली बार की बोली थी आपको, नहीं याद है? तने सारे ऐसे ही थे। छोटा सही है लेकिन क्यूट नहीं है। आ गया और ये भी आ गया। वो फोटो नहीं खिंचवाने देता, ये ऐसे ही करता है। ये देखो खेलने के मूड में, जब भी कोई स्ट्रेंजर आता ना ऐसे ही करता है। थोड़ी थोड़ी चाय बना तो चाय। नहीं जी नहीं, थैंक यू। हेलो कर दो। हेलो। मेरी फोटो खींच दे। काटता नहीं है, सुनता है। चाटे गया सुनता। खींच। मेरा हाथ। अरे भाई यार मेरा हाथ खा ले। मेरे बिना तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो खाना? तीन चार बार आवाज मारी है तो आवाज मारी तो स्टार्ट कर दोगे क्या? नहीं आऊंगा तो खाद्य ना कैसे मेरे बिना खाने लग गए। तो और ओरियो ने खाया? ओरियो ने। चलो अपन खाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद खाना खा के मिलता हूँ मैं आपसे। बाय द वे खाने में आलू की सब्जी और रोटी और मेन जल ही जीवन है। जल है हमारे पास, गरम गरम जल। सो डिनर करके आ चुका हूँ ऊपर और आपको जैकेट दिखाता हूँ मैं। मैंने अपने लिए दो लिए, एक तो ये कलर देखो, एक ये ब्लैक लिया है मैंने। ब्लैक तो अपना फेवरेट ही है। तो हाँ जी ये हो गई ब्लैक, तो देख लो ये भी काफ़ी सही लग रही है। मेरा मन तो था तीन चार लेने का, बट फैमिली के हाथ में गया था तो फैमिली के लिए भी ले रही थी। तो एक पापा जी के लिए ली, एक मम्मी के लिए, एक साहिल के लिए और एक पीयूष के लिए। तो टोटल हमने छह लिए हैं। साहिल वाली तो आपने देखी ली, रेड कलर की जो उसने डाल रखी थी अभी। बाय द वे साहिल और मेरी तो आपको पता ही है सेम है, मतलब तीन हो गई, हम डालते रहेंगे। कभी साहिल डालेगा कभी मैं डाल लूंगा, तो वो तो काफ़ी बढ़िया ही है। इवन पापा जी में भी ऐसा ही है, पापा जी भी मेरे डाल लेते हैं। हमारा हम तीनों का साइज सेम है तो ये हमको फायदा मिलता है, शूज़ में भी और जैकेट्स कपड़ों वगैरह में भी। वैसे मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद ना डेनिम है, बट डेनिम मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, मेरे पास ऑलरेडी तीन हैं, बट उनमें ठंड बहुत लगती है उनसे, ऑब्वियसली और ठंड लगता है। ऐसा लगता है गीली जैकेट डाल ली कोई, बट इनमें हवा पास नहीं होगी, अंदर से गर्म भी है, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किए गाँव जाने के लिए स्पेशली। यहाँ तो हुडीज़ वगैरह भी ले सकते थे, बट गाँव के लिए मेरे को यही चाहिए थे इसलिए मैंने ये लिए। और पूरी फैमिली को भी यही दिलाया है, कोई हुडी वगैरह नहीं दिलाई। मम्मी को भी मैंने ऐसी जैकेट दिलाई है मोटी सी। अब ओनली बाकी है ओरियो की जैकेट्स। ओरियो की भी इस तरह की जैकेट आती है, डॉग्स की मैंने देखी थी, तो वो यहाँ तो मिलेंगी, वो हिसार से ही मिलेंगी, तो प्रोबेबली मैं कल जाके ले ही आऊँगा इसके लिए। सो भी पूरी फैमिली आ चुकी है, हम डिस्कस कर रहे हैं किस दिन जाएँ, कौन सा
दिन अच्छा रहेगा, बाकी आपको थोड़े दिनों में चल जाएगा पता कि। तो फाइनली हमारा डे पक्का हो चुका है, आपको चल जाएगा पता हम कब जाएंगे। पैकिंग वगैरह कल से शुरू करते हैं। मेरा तो क्या पैकिंग है, कैमरा चाहिए मुझे और कपड़े चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, फैमिली चाहिए। फैमिली फैमिली बैग में भर के जाओगे ले जाओगे है उसके बेड से उठ रहे। मम्मी जी देख लो कैसे उसके बेड में सोया पड़ा है, समझा लो उसको। सब टूट जाएगा देख ले कैसा हो रहा है, देखो देख टूट जाएगा क्या उसके, उसका बेड है यार वो, उसके बेड में क्यों सो रहा है ये ऊपर से। उसका बेड खराब करके रख दिया। आ जाओ लिया जी, लड़ाई मत करो। अरे नो नो नो, चलो 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 बेड में चलो अपने। अब यहाँ से उठ नहीं जाएगा, पहले बता रहा हूँ। अगर तू यहाँ से उठा फिर बताऊंगा मैं, और तुम भी कोई उठाना मत रे। चलो अब मैं एडिटिंग शुरू करते हैं। कपड़े डाल ले भी, अंदर से कुछ भी नहीं डाला है। अभी डालूंगा, ओढ़ के ही बैठना हूँ, यही बैठ के देखो सेटअप बना रखा है पूरा मैंने, यही एडिटिंग करूंगा मैं पूरा, ओढ़ के एडिटिंग करता हूँ मैं, वहाँ नहीं कर रहा मैं। क्यों फिर टेबल की मंगवाई? फिर आ गया अम्मी ये, इसको पहले से समझाओ इसको। तुम दोनों जगह यार सोने का टाइम है, खेलने का टाइम है। मम्मी यार इन दोनों को आप लाए मत करो, कल से मत आने देना कुत्तों को यहाँ पर। नहीं इसको तो बिल्कुल ही नहीं, कल से इसको अगर तेरे लिए हम दूर लाएंगे, हम बैठेंगे, इसको नहीं आने देंगे ऊपर, यहाँ के दिखाएगा। मम्मी मम्मी आप बुलाओ, मम्मी जी आप बुलाओ, मम्मी मम्मी आ गया चला आ गया। भाई मम्मी से डरता है, भाई मम्मी से डरता है। चल भाई तीसरी बार इसको बेड में, ओ नीचे नीचे चला गया, इधर चला गया, ये रहा या ऊपर से सो जा, ऊपर आ जा बेड में आ जा, माने बेड खुल चल आ जा यहाँ, यहाँ आ जा इसमें इसमें अपने पीछे बेड में आ जा, निमल निमल। भाई मम्मी ये तो आपकी बात भी नहीं सुन रहा आज। तुम बोलो मत कहाँ बाहर, अब गए अब करो, अब ऐसे ही जाओ, छोड़ो अपने आप सो जाएगा मम्मी, अपने आप सो जाएगा। देख लो बाहर से वो बोल रहे हैं, समझा लेना उनको दोनों को, बता रहा हूँ मैं इनसे, तुझे पूरी रात अपनी नौटंकी करा लो, उतनी पूरी रात नौटंकी कर लेंगे, और ये साथ में उनके लगा रहेगा। ओडियो बेटी ठीक है, सो जाएगा, बाय सो जाएगा, ओडियो इसको बढ़िया करके, ऐसी मत छोड़ ना, ओढ़ना जरूर आप, ठंडे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चाहिए इसको ये वाला कंबल भी ओढ़ दियो घर में। ठीक कह रहे कह रहे, सो जा आराम से, ओढ़ना पक्का उसको, ठीक है मत छोड़ना। ठीक है, सो ये था गाइज आज का हमारा दिन, जो कि काफ़ी अच्छा गया। शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब बस पैकिंग करनी है, एंड फाइनली ओरियो अपने बेड पे जा चुका है, वो देखो देख रहा है अभी फिलहाल इसको एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके जाना, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना गाइज, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देख लो मम्मी इसको, चप्पल यहाँ नहीं है तेरी, वीडियो में तो जो चीज हो ये वो दिखाते नहीं हो, खराब हो जाएगी बाहर के रखे तो, खराब हो जाएगी ठंड में बाहर के रखे।